एक्चुअली मैं उनसे मिलने गया था ताकि आगे की स्ट्रेटेजी डिस्कस कर सकूं, पर उन्होंने तो आओ देखा अंताओ और आते मुझ पर बरस पड़े। कोमल से थोड़ी देर अकेले में बात करना चाहता हूँ। विक्रम, तुमने बहुत देर कर दी है। मेरे हाथों की लकीरों में नहीं है तो वो लौट के क्यों आ जाती है? क्यों मुझे सब जगह बस वही दिखाई देती है? और प्यार के मामले में बस इतना ही कह सकता हूं कि प्यार एक तरफा भी हो सके। अंकल, लेकिन ये एक तरफा नहीं है, आप जानते हैं ना, वो भी मुझसे प्यार करती है। जानता हूं बेटा, पर तू हालात भी तो देख है। एक बात कहूं, बुरा मत मानना, हो सकता है इस समय थारी समझ में ना आए। जो प्यार का मामला हुआ है ना, मणका हुआ है, तणका नहीं। कृष्ण जी का उदाहरण ले ले, कितनी देर रहे वो राधा जी के साथ, विवाह भी नहीं किया, लेकिन आज भी संसार कृष्ण जी से पहले राधा जी का नाम लेता है, ना कि रुक्मणी का। पर अंकल, ना मैं कृष्ण हूं और ना कोमल राधा, वी आर ह्यूमंस, और हमें दर्द तो होगा ही ना। जानता हूं बेटा, दर्द तो होगा, थारे से ज्यादा मने दर्द हो रहा, क्योंकि तू मने बहुत पसंद है, पर करूं के मामला ही ऐसा है कि मैं कोमल के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। अंकल, मैं चाहता भी नहीं हूं, ये मन की बात है अंकल, और मन के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की जाती। मैं तो बस इतना ही कह सकता हूं बेटा, अगर तेरी तकदीर में है ना, तो तुम्हें जरूर मिलेगी। अंकल, यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी तकदीर में है क्या, क्यों वो मेरे साथ ऐसे आंख मिचोली खेल रही है। बेटा, थारी तकदीर ही नहीं, लगभग सबकी एक जैसी हो वह, कभी सुख कभी दुख, कभी धूप कभी छाया, और जो मर्ज तेरा है प्यार का, उसमें तो जो जो इंसान दवा करता है ना, मर्ज और बढ़ता है। तुम्हारी एक बात मानेगा बेटा? बोलिए अंकल। खुद को बीच से हटा ले, परमात्मा में सब छोड़ दे बेटा। मेरी बात याद रख, जब भी इंसान खुद को बीच से हटावे है ना, खुदा तभी बीच में आवे। तू तो पढ़ा लिखा है, तने देखा होगा विश्व में जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं ना, चाहे वो मैडम क्यूरी का हो, आर्किमिडीज का हो, उनकी खोज तभी पूरी हुई जब उन्होंने इस बात को खोज लिया कि खुद खोजने से कुछ ना हो, उसकी मेहर भी बहुत जरूरी है। बेटा, सब कुछ भगवान पे छोड़ दे, वो जो करेगा तारे भले के लिए करे। पांडे जी, सब ठीक है ना? मतलब इतनी रात को आपने बुला भेजा, कोई इमरजेंसी है क्या? वैसे तो कोई खास इमरजेंसी नहीं है, लेकिन अगर सिचुएशन को देखा जाए तो किसी इमरजेंसी से कम नहीं। सुशील जी, आपके भाई साहब ना कुछ खा रहे हैं ना पी रहे हैं, और वो हमारी कस्टडी में, अगर कुछ हो गया तो जवाब हमें देना पड़ेगा। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि स्थिति गंभीर है। कुछ खा पी नहीं रहा, पर That's true, uncle. He's very rigid. I know that. रिजिड तो है, पर क्यों नहीं खा रहा? कोई तो वजह होगी। इसकी वजह भी नहीं बता रहे। तो इसमें अंकल क्या कर लेंगे? अगर वो आपकी बात नहीं मान रहे हैं तो फिर
हमारी बात भी नहीं मानेंगे। देखिए वैसी बात नहीं है, वो सुबह से आपके ही नाम की रट लगाए। अब आप आ गए हैं तो आप ही हैं कि जो उनका अनशन छुड़वा सकते हैं। पर पता तो चले वो चावे के है। सुशील जी बस वो आपसे मिलना चाहता है। पांडे जी बात मने कुछ हजम ना हो रही, खाना पीना छोड़ रखा है, हमसे मिलना चाहता है, ऐसा बर्ताव उसने पहले तो कभी ना किया। अंकल मैं विजय अंकल को अच्छी तरह जान चुका हूँ, वो अलग अलग वेरिएशन ट्राई करते रहते हैं, इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि आपको उनसे मिलना चाहिए, वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ ये बात आनंद से ज्यादा कौन जान सकता है, एकदम टेटुआ दबा दिया था वो तो, एंड टाइम पे हवलदार नहीं आता ना, तो विजय ने उसकी शोभा यात्रा का इंतजाम कर दिया था। सुशील जी आदमी तो खतरनाक है, जब भरी अदालत में जज के सामने लोगों को धमका सकता है तो उसके सामने यूं अकेले जाना किसी शेर की मान में कदम रखने से कम नहीं। कमाल है पांडे जी, एक तरफ आप अंदर जाने के लिए बोल रहे हो, उससे मिलने के लिए बोल रहे हो, दूसरी तरफ हमें डरा रहे हो। देखिए इस वक्त आप घबराइए नहीं, वो कुछ नहीं कर पाएगा, मैं हूं ना। आप तो रहने दीजिए पांडे जी, आप खुद को बचा पाए थे उसके हाथ से, नहीं बताइए मैं याद दिलाऊं। देखिए मैं मानता हूं लेकिन सुशील जी हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है। देखिए मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, जहां तक आपकी सिक्योरिटी की बात है मैं हूं ना। अगर आपके भाई ने इसी तरह खाना पीना छोड़ रखा तो उनकी सांसें कभी भी बंद हो सकती हैं। ये तो रहने दो, मारा भाई अच्छी तरह जानता हूं, एक महीने बिना पानी के रह लेगा, मरेगा नहीं। हाँ ये जरूर है कि हमारे पास कोई चारा तो है नहीं, मिलना तो पड़ेगा ही, चलिए देखते हैं क्या बोलता है। अरे आप क्यों जाएंगे, मैं यही बुलवाता हूँ। देवीलाल। यस सर। विजय चौटाला को लेकर आओ, लेकिन ध्यान से हैं। अभी लाया सर। समझ में नहीं आता ये कब सुधरेगा, बताओ रात के 2 बज रहे हैं, इस समय किसी को बुलाया है सर। तुम जाओ। नमस्कार सुशील चौटाला जी, नमस्कार, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या बदतमीजी? अरे भाई साहब मतलब मैंने मुंह खोला नहीं कि बदतमीजी कर दी। अरे मैं तो आपका स्वागत कर रहा था, बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ पे। बड़े झूठे हो भाई साहब आप, बहुत झूठे हो, बताऊं कैसे? एक तरफ तो आप यूं कहते हो कि विजय मेरी जान है, मैं उसे जान से भी ज्यादा चाहता हूं, और दूसरी तरफ और विजय ने आपको रात में क्यों बुला लिया? अरे आप तो गुस्से ही हो गए भाई। इस समय क्यों बुलाया? रात के समय कोई किसी को बुलावे है क्या? किसी को? किसी को? अरे भाई साहब आप किसी नहीं है, आप खास हैं, बहुत खास हैं आप, आम तो हम, इसीलिए तो यहां है। देख विजय मुद्दे की बात कर, पेड़ियां मत बुझा, साफ साफ बता बात की है। इतनी जल्दी भी क्या है, इतनी भी जल्दी क्या है, आए हैं आराम से बैठते, आराम से करते बात, आइए बैठ के बात करते। आइए आइए बैठिए बैठिए। अब बता क्या बात है? अरे आप तो बड़े उतावले हो रहे हैं, इतनी भी जल्दी के करते हैं ना बात? देख तने तो कोई जल्दी है ना, तेरा तो ये घर है, तने तो सारी जिंदगी यहीं बितानी है, पर मने तो है ना। देख आ गए ना दिल की बात निकल के जुबां पे। अरे आप तो यही चाहते हो कि मैं जिंदगी भर ये चार दीवारी में कैद रहूं, और आप
हमारे पीछे हमारे परिवार को, हमारी जायदाद को, सबको संभाल लो, है ना? यही चाहते हो ना आप? ये बात बोल के ना तूने क्या कर दिया है, क्या कह गया है तू? सच्ची घटिया आदमी की सोचना घटिया ही हो। अरे क्या क्या नहीं किया मैंने तेरे लिए, क्या क्या नहीं किया मैंने तेरे लिए? क्या 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 किया आपने, क्या किया आपने, जरा मैं भी तो सुन, क्या किया आपने बताइए? ये पांडे को अपने साथ मिला लिया, एसपी को मारे खिलाफ भड़का दिया, सीबीआई मारे पीछे लगवा दी, इसके अलावा और क्या किया आपने, कुछ किया आपने? कुछ नहीं। मैं बताता हूं आपको कि मैंने क्या किया आपके लिए। प्यार किया आपके बेटे ने, राज ने, वो भी गैर बिरादरी। ये रिश्ता ना पंचायत को पसंद था ना राघवन, इसलिए वो आ गए थे घर पे धमकाने के लिए। बीच में कौन आया, कौन आया बीच में? मैं, विजय चौटाला। अगर मैं बीच में ना आता ना तो वो राज सरोजनी को निपटा देते। अरे आपने तो कोई जिम्मेदारी समझी नहीं आज तक। आपको तो ये जात बिरादरी पंचायत कोई माने नहीं रखती आपके लिए, कोई रखती है? कोई माने नहीं रखती। आपको तो केवल वही सच लगता है जो आप सोचते हो, बस वही सही। राघवन तो सिर्फ धमकी देता है, पर विजय करके दिखाता है, और किया भी था। वो तो किस्मत अच्छी थी उसकी जो गोली कंधे पर आकर लगी, वरना मैंने इंतजाम कर दिया था उसका, चार कंधों का। इसके अलावा तुझे आता है क्या? ये हाथ खोल के ये बात बोलिया तब बताऊंगा मैं आपको मणे के क्या आता है। जानता हूं, देख उसकी झलक दिखाने की जरूरत ना है, सब जानते हैं कि तू इलाके का सबसे बड़ा गुंडा है, सब जानते हैं। नहीं क्या कहना चाह रहा है तू? यही कहना चाह रहा है ना कि जो कुछ हुआ हमारी वजह से हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल। आग आपके यहां लगी और घर मैंने फूंक लिया अपना। अच्छा, मतलब जो कुछ हुआ वो मैंने किया, किसानों का शोषण मैंने किया, सरोजनी का किडनैप मैंने किया, राका को गोली मैंने मारी, मंगल सिंह को मैंने मारा है? लाइफ इंश्योरेंस के पैसे मैं डकार गया, यहां तक कि विक्रम सिंह को भी मैंने मरवाया, सब मैंने किया। तू तो जलेबी की तरह सीधा साधा, गंगा की तरह पवित्र है, यही कहना चाह रहा है ना तू? भाई साहब आप चाहे ना कितने भी व्यंग बाण चला लीजिए, पर उससे यूं सच्चाई छुप नहीं सकती कि आज मैं जहां हूं ना वो सिर्फ आपकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। अरे छोटे मोटे कांड कौन नहीं करता, कौन नहीं करता यहां पे बताइए मन, आपको नहीं पता के सरोजनी पे जो गोली चलवाई थी ना मैंने, उस बात का पता पुलिस को जड़ों तक नहीं लगता। मैंने जितने भी कांड किए, जितने भी, उसका पता किसी को नहीं चलता। पर वो कहावत तो सुनी होगी ना आपने, घर का भेदी लंका ढाए। अरे मणे के पता था, मणे के पता था कि मारे घर में एक विभीषण, मणे के पता। भाई वाह, कितनी आसानी से तो खुद को रावण कह गया, कितनी आसानी। दुनिया के जितने बुरे आदमी है ना खुद को रावण कह देते। रावण का मतलब पता है, है? सबसे बड़ा शिव भक्त था, महाज्ञानी महापंडित, देवता सर नवाते थे वो, तो उसने गलती ना की होती ना तो पृथ्वी पर एक छत्र राज करता हो।
तू क्या समझेगा, दो किताबें तो तुमने पढ़ी नहीं रावण। अरे आपने पढ़ के क्या कर लिया, क्या कर लिया आपने? किताबें पढ़ी है, किताबें पढ़ी है, यू ही गाना पता नहीं कितनी बार गा चुके आप हमारे साथ। अरे घर की इज्जत तो मैंने बचाई, मैंने बचाई है घर की इज्जत, वरना वो रावण की हिम्मत होती के हमारे घर में रिश्ता लाने की। सुशील जी माफी चाहता हूँ, बीच में बोल रहा हूँ। विजय चौटाला, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें अकल नहीं आई, अब तो तुम्हारे लिए प्राश्चित का समय है। बड़े भाई सामने हैं, कुछ माफी वाफी मांगो, तुम तो अकड़ेदार हो। अरे माफी मांगे मारी जुत्ती। एक बात ध्यान से सुन ले पांडे, विजय टूट जाएगा पर झुकेगा नहीं, कभी नहीं झुकेगा। जो झुकते नहीं है ना विजय, वो टूट जाते। मैं जानता हूं तेरा तेरा अहंकार रावण से भी बड़ा है, पर योग्यता योग्यता के मामले में तू नील बटे सन्नाटा है, नील बटे सन्नाटा। सुशील जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुमने आज तक उजाड़ने के सिवा और किया ही क्या है, और इज्जत उसकी होती है जो बनाता है। क्या बात है, देखो तो सही, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल रहा है। देखो भाई पांडे ये मत भूल, ये थारे चेहरे पे जो ये लाली है ना, ये उन्हीं लोगों के पैसे किए जिनके मैंने घर उजाड़े, वही पैसे मैंने तने रिश्वत में दिए थे। मारा नाम विजय चौटाला, विजय चौटाला, मारे नाम में ही विजय, समझे आप? हार नहीं सकता। क्या परिभाषा दी भाई, वाह, जिसके नाम में ही विजय हो। अरे नाम से कुछ ना होता, नाम शरीफ रख लेने से इंसान शरीफ ना हो जावे। और इतना उछल मत, ताकत पर इतना गुरूर मत कर। सिकंदर का नाम सुना है ना तूने, हैं? सुना है ना, इसीलिए कहते हैं वो जो तन के चलते थे अपनी शानो शौकत पर, शम्मा तक नहीं जलती आज उनकी कुर्बत पर। कुर्बत समझता है ना, समाधि समाधि। अरे मने पता है कि आप लोग हमारी समाधि पर फूल चढ़ाने के लिए मरे जा रहे हैं। अरे एक बात बता दूं आपको, वो एक कहावत तो सुनी होगी ना आपने, जाट मरा तब जानिए जब तेरवी हो जाए। यही बताने के लिए आपको बुलाया था मैंने यहां पर कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ, विजय चौटाला अभी हारा नहीं है। भाई साहब सुप्रीम कोर्ट बाकी है। सुप्रीम कोर्ट बाकी है। हेलो सचिन, घोड़े बेच के सो रहा है के? कौन बोल रहा है? थारी अम्मा। मेरी अम्मा की आवाज ऐसे नहीं है। अच्छा आके मिल, शकल भी थारी अम्मा जैसी ना है। कोमल तुम? हाँ मैं, रात को ज्यादा चढ़ा ली थी के, जो हमारी आवाज भी नहीं पहचान रहा। देख एक बार को अमित जी की आवाज कोई ना पहचान सके, लेकिन कोमल चौटाला की आवाज हर कोई पहचान लेगा, समझा तू? कोमल अमित जी थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? चल ठीक है, ऐसा करते हैं फिर, शत्रुघ्न सिन्हा पे डन कर देते हैं। अब ज्यादा बहस ना करियो हमारे से, खामोश। हेलो हेलो, अरे फिर से सो गया के? जग रहा हूँ कोमल। अरे पता कैसे चलेगा, कम से कम सांस तो ले। तुमने क्या कहा मुझे, खामोश ना, तो खामोश हो गया मैं।
ये बात है, तू तो बड़ा आज्ञाकारी है। अच्छा एक बात बता, अगर कल को मैं ये बोलूं कि तू पहाड़ से कूद जा तो कूद जाएगा? डिपेंड करता है कि पहाड़ की हाइट कितनी है। जानती हूँ तू ऐसी पर्सनालिटी है कि वो क्या होता है ना, टेबल टेबल से भी कूदने के लिए ना 100 बार सोचेगा। अच्छा ठीक है ये सब छोड़, ये बता कि दिल्ली कब पहुंचा? दिल्ली? मैं यहीं पे हूँ अभी। है तू तुम्हारे घर पे ही है? तूने पहले क्यों नहीं बताया? खाम खाम मारे इतने पैसे फिजूल कर दिए। कोमल मैं तुम्हारे घर पे नहीं, ये स्टेशन के पास एक फार्म हाउस है वहां पे रुका हूँ। वहां क्या कर रहा है फार्म हाउस में? कोमल लंबी स्टोरी है यार। एक्चुअली कल रात को तुम्हारे बापू ने मुझे और सुशील अंकल को अपने पास बुला लिया था। किस लिए? अपने साथ खाना खाने के लिए बुलाया था। कोमल वो जेल में है ना, तो किस लिए बुलाया होगा? वही तो पूछ रही हूँ, आप क्या सोच गया उन्हें? वो कह रहे थे कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हे भगवान, मने ना समझ में नहीं आ रही, ये केस पके हुए आम से भी ज्यादा पिलपिलासा है, और उनका जो लॉयर है वो लुलट आदमी है। ये केस ना वो जीतने वाला तो है नहीं, और उसे सुप्रीम कोर्ट जाने की पड़ी है। उसके ना कार्बोरेटर में ना कचरा फंस गया, कचरा। अरे कार्बोरेटर से याद आया, मारा चार्जर तेरे पास रह गया, इसलिए तो फोन किया था मैंने। कुरियर करके भिजवा दूंगा मैं तुम्हारे पास। अरे भाड़ में गया तेरा कुरियर, मने अर्जेंट चाहिए यार, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो रही है। मैं तैयार होकर तेरे पास आ रही हूँ इतना चार्जर लेने के लिए। अरे कोल, अच्छा भाई मैं रखती हूँ, बाय। ये लड़की भी ना, चार्जर कितनी बड़ी चीज होती है क्या? मैंने कहा था कोरियर कर देता, अगर नहीं महारानी को चाहिए तो चाहिए, हद होती है यार। कोमल मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूं यार। अच्छा तो कितना निकला? क्या? अरे वेट वजन। कोमल इसे तो मैं पीजे भी नहीं कह सकता। खैर ये लो तुम्हारा चार्जर। धत तेरे की, ये चार्जर तो सरोजनी के पास भी था। खामखा मैंने तेरा टाइम फिजूल कर दिया ना। अब दे ही दिए ना, मुझे जाने की इजाजत है? अब मैं क्या संभालूं बेटा, तुम लोग आपस में लड़ते हो, झगड़ते हो, रोते हो, अब ये आपस का झगड़ा ना अपने में ही निपटाओ। चाची ये तो पार्शियलिटी है, अब उसकी साइड ले रहे हो। हाँ तुम्हारी माँ है ना, मारा साइड ही लेगी, कौन सा पड़ोसियों का लेगी। कोमल तो इतनी सी बात भी नहीं समझी। किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की। बड़े तने गाने सूझ रहे हैं, एक बार मारे हाथ में आ जा श्रीदेवी से ना रोहिणी हथांगड़े बना दूंगी तने।